यहाँ पे जो हमारा क्रिक ट्रैकर स्टार्ट आ रहा है, ही मेक्स हिज ओडीआई डेब्यू 6 ईयर्स गैप आफ्टर द T20I डेब्यू. तो ये गैप है, इतने गैप में आप IPL में हर साल परफॉर्म करते हैं, 2 हाफ सेंचुरी लगाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं. वो कंसिस्टेंसी नहीं है हमने बात की, वो मैच्योरिटी नहीं है हमने बात की. अभी तक उनको अपनी जगह बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि भारत ढूंढ रहा था कि MS धोनी का सक्सेसर कौन होगा. जैसा लूथरा सर ने कहा, यहाँ पर अगर नहीं लिया चांस, अगर ये मौका नहीं लिया अगले 1.25 साल के अंदर, तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा. आपकी क्या ओपिनियन है? मुझे नहीं लगता बंद होगा, लेकिन हाँ लाइन में जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, क्यू सा बना हुआ है, उसमें शायद पीछे आ जाएंगे, ईशान आगे चले जाएंगे. तो वो चीज है, क्योंकि he's not that old, अभी कितने 24 या 25 वर्ष हैं, हालांकि खेल काफी साल से रहे, आई थिंक इज 25ish, मिड 20s. तो मे बी बंद नहीं होगा, इट्स टू अर्ली टू से दैट. लेकिन अभी खेल आगे हैं, ईशान आगे चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, सो देन ही विल स्टार्ट कंपीटिंग विद देम. तो वो एक डर जरूर है कि रेस से बाहर ना हो जाए. तो उसके लिए जरूरी है कि अगले जो भी मौके मिले वहां पे ही परफॉर्म्स, क्योंकि सबके मन में वही है, सबके जुबान में एक ही चीज है कि भैया बी लिटिल मोर कंसिस्टेंट. टैलेंट तो सबको पता, पूरी दुनिया को पता है, बट वही है कि वेदर इज कंसिस्टेंट. विजय, आपकी आखिरी टिप्पणी संजू सैमसन को लेके. कैप्टेंसी, मैच्योरिटी, कंसिस्टेंसी, बहुत सारे तीर उनकी तरफ जा रहे हैं. क्या वो डिफेंस कर पाएंगे, क्या वो अटैक कर पाएंगे, उनके पास दे हैव, ही हैज अ होल लॉट ऑफ शॉट्स. आज उनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद है. इतनी सारी चीज़ें तो वैसे भी उनको अपने जहन में नहीं रखनी चाहिए कि क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे. पहले की एक सोच ही हुआ करती थी ना कि जो सबसे शैतान बच्चा होता है क्लास में उसको मॉनिटर बना दो, शायद फिर वो सारी चीज़ें ना होती हुए. यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश की गई है, अगर उनको कप्तान बनाया गया है कि शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो वो उनकी बल्लेबाजी में भी नज़र आए. मैं फिर कहूँगा प्लेयर क्लास प्लेयर है. अब बिना इतने क्लास प्लेयर हुए आप इस तरीके की चर्चाएं होते हुए नहीं देखते, आप इस तरीके से लगातार इतने मौके आपको नहीं मिलते, कुछ खिलाड़ियों का एक दायरा बना हुआ उसके आसपास घूमते हुए नहीं देखते हैं. लेकिन मैं सिर्फ यही देखना चाहूँगा कि ये कंसिस्टेंसी कैसे ये प्राप्त करते हैं, क्योंकि अगर ये प्राप्त करते हैं ना तो उसके बाद जो भारतीय टीम बनती है वो टीम का जो लुक हो जाएगा ना वो और अलग हो जाएगा.